छत्तीसगढ़ में 12 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन के आखिरी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव विधानसभा सीट से अपना नामांकन भरा। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। योगी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बीजेपी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। वहीं पर्चा भरने से पहले मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ का पैर छूकर आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि राजनांदगांव विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी करुणा शुक्ला भी आज अपना नामांकन दाखिल कर रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहां पर आप देख सकते हैं रमन सिंह ने योगी आदित्यनाथ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, उनको माला पहनाया और रमन सिंह ने पर्चा भरा है। मैं डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेहतरीन कार्य किया है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, इस बात की शुभकामना यहाँ के कार्यकर्ताओं को, यहाँ के मतदाताओं को देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। पंद्रह वर्षों के कार्यकाल में रमन सिंह जी भ्रष्टाचार में आखंड डूब गए हैं। हर चीज़, हर वो काम वो शुरू करते हैं जिसमें उनको कमीशन बनता है, और ये रमन सिंह जी ने पूरे 15 वर्षों में किया है। यही सारे विषय लेकर कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी ने मुझे यहाँ संघर्ष के लिए भेजा है, और निश्चित रूप से राजनांदगांव की जनता की आवाज़ बनकर मैं उनके बीच में आई हूं, और जनता जो चाहती है वो कार्य, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो निश्चित रूप से उनके अनुरूप राजनांदगांव सजेगा और संवरेगा। अटल जी आपके चाहते हैं।